सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम गुरु बीजाणुपर्ण के बारे में पढ़ेंगे। साइकस में मादा पादप के शीर्ष भाग पर गुरु बीजाणुपर्ण के समूह के रूप में उत्पन्न होते हैं। गुरु बीजाणुपर्ण सामान्य तथा सलक पर्णों के मध्य अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। गुरु बीजाणुपर्ण के निर्माण से तने के शीर्षस्थ वृद्धि निरंतर होती रहती है, क्योंकि ये शीर्ष संघनित होकर शंकु का निर्माण करते हैं। अतः इस वृद्धि को एकल अक्षी वृद्धि कहते हैं। साइकस की विभिन्न जातियों में गुरु बीजाणु प्रण का विवरण निम्न रूप से मिलता है। साइकस सर्सिनेलिस गुरु बीजाणु प्रण की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर, बीजाणु संख्या 2 से 4, परिपक्व बीजांड का रंग हरा, ऊपरी भाग की विशेषता ऊपरी भाग अंडाकार या वालाकार एवं उपांत तंतुर प्रकार के। साइकस लंबाई गुरु बीजाणुपर्ण की लंबाई 20 से 25, इसमें भी बीजाणु संख्या 2 से 4, परिपक्व बीजांड हरा, ऊपरी भाग की विशेषताएं ऊपरी भाग अंडाकार या वालाकार, शीर्ष सतह संघन रोम युक्त। साइकस रिवुलेटा गुरु बीजाणुपर्ण की लंबाई 10 से 25 सेंटीमीटर, बीजाणु संख्या 2 से 12, परिपक्व बीजांड का रंग नारंगी, ऊपरी भाग पीछ की, शीर्ष नुकीला, पूरी सतह पर भूरे रोम। साइकस बेडुमाई बीजाणुपर्ण की लंबाई 15 से 21 सेंटीमीटर, बीजाणु संख्या 2 से 4, परिपक्व बीजांड का रंग हरा, ऊपरी भाग की विशेषताएं उपांत दंतुराकृति के। गुरु बीजाणुपर्ण पंख जैसी संरचना है, जिसमें आधारीय बंधे भाग वर्ण कहलाता है। मध्य बेलनाकार भाग फर्टाइल होता है, जबकि ऊपरी भाग बंधे पाल्य का युक्त अथवा दांतेनुमा संरचना के रूप में होता है। बीजांड या गुरु बीजाणु दानी। साइकस का बीजांड बीजद्विपादपों पादपों में सर्वाधिक बड़ा होता है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा तथा 4 सेमी व्यास का होता है। बीजांड रिजु प्रकार का, ये एक अध्यारोणीय तथा बहुत छोटे छोटे वर्ण युक्त होता है। बीजांड हरे तथा रोमिल परिपक्व होने पर यह रोम रहित तथा नारंगी लाल रंग के हो जाते हैं। प्रत्येक बीजांड में बाहर की ओर मोटा अध्यारोहण तथा
अंदर की ओर केंद्रीय बड़ा बीजांड काय होता है। बीजांड काय के शीर्ष भाग के अलावा सब जगह से दम जुड़ा रहता है। शीर्ष भाग का बीजांड काय हिस्सा एक उभार के रूप में देखा जा सकता है, जिसे बीजांड काय कवच कहते हैं। इस स्थान पर ऊपरी छिद्र बीजांड द्वार कहलाता है। अध्यारोहण की बाहरी और भीतरी परतें मसल होती हैं, जबकि मध्य परत कठोर व स्टोनी होती है। आंतरिक मांसल परत बीजांड काय से जुड़ी रहती है। बीजांड काय चोंच के अंदर कोशिका विघटन के कारण गुहिका का निर्माण होता है, जिसे प्राग प्रकोष्ठ कहते हैं। प्राग प्रकोष्ठ में प्राग कण एकत्रित होते हैं। गुरु बीजानुपूरण के अनेक सवन पुलों में से मात्र 3 सवन पुल ही बीजांड में प्रवेश करते हैं। इनमें से केंद्रीय पुल भारी मांसल तथा मध्य की अष्टिल परतों को पार करते हुए भीतरी मांसल परत में प्रवेश करता है। तब बीजांड काय के निभागी छोर पर जाकर ये कई शाखाओं में बन जाता है। इसके अलावा शेष दोनों सवन पुल अध्यारोहण की भारी मांसल परत में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक पुल द्विभाजित होता है, जिसकी मोटी शाखा बाहरी परत तथा पतली शाखा आंतरिक परत तक जाती है। यह सवन पुल बीजांड के बीजांड द्वार ये छोर तक फैले रहते हैं। बीजांड का परिवर्धन साइकस में बीजांड गुरु बीजाणुपण के आधार ये उर्वर भाग की पृष्ठीय कोशिकाओं से विकसित होता है। इन पृष्ठीय कोशिकाओं में लगातार विभाजन होने से मर्दूत की कोशिकाओं का समूह बीजांड काय बनाता है। इसके आधार ये बाह्य त्वचा कोशिकाओं की विभाजन द्वारा ऊपर की ओर फैलने से बीजांड काय के चारों तरफ अध्यारोहण बन जाता है। शीर्ष भाग पर अध्यारोहण स्वतंत्र होकर बीजांड द्वार नलिका बनाता है। उस समय पश्चात बीजांड काय के ऊपरी अथवा शीर्ष भाग से चोंचनुमा द्वार बनता है, जिसे बीजांड काय चोंच कहते हैं। इस चोंच के नीचे की कोशिकाओं के नष्ट होने से लास्क प्राग प्रकोष्ठ बनाता है। बीजांड काय की मर्दूदी कोशिकाओं में से भीतरे कोशिका का केंद्र बड़ा तथा कोशिका द्रव्य संघन हो जाता है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। ये गुरु बीजाणु एक रेखीय चतुष्क बनाते हैं, अर्थात
चारों गुरु बीजाणु एक ही रेखा में स्थित रहते हैं। इनमें सबसे नीचे स्थित गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, जबकि शेष तीनों नष्ट होकर क्रियाशील गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने साइकस के गुरु बीजाणु के बारे में पढ़ा। ओके, धन्यवाद।